वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज। आजमगढ़ के थाना बड़दा क्षेत्र की बीए की छात्रा के हत्याकांड का अनावरण कर पुलिस ने घटना में शामिल मृतका के सगे दो चाचा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार उनके द्वारा ऑनर किलिंग की गई। 14 जुलाई को थाना बड़दा के असबनिया ग्राम में 20 वर्षीय पूजा पुत्री उदयभान की लाश पोखरे में मिली थी, जिसको उसके चाचा चंद्रभान व सूरजभान दाह संस्कार के लिए पोखरे से निकाल कर ले जाने वाले थे। गांव के लोग व प्रधान ने थाना बड़दा पर सूचना दे दी थी, जिस पर सूचना थाना स्थानी पर दर्ज कर मृतका पूजा का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में पूजा के पिता जो हरियाणा में रहते थे उनकी लिखित तहरीर के आधार पर उनकी पुत्री पूजा की मौत के मामले में रोहित, सौरभ व राम प्रसाद सभी निवासी असबनिया पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था कि इन तीनों ने बुलाकर हत्या कर लाश को पास के तालाब में मौका मिलते ही फेंक दिया था। मामले में तब नया मोड़ आ गया था जब 3 दिन पूर्व मृतका के पिता की तरफ से आरोपित किए गए युवकों के परिजनों ने ग्रामीण संघ थाने का गिरोह कर दिया था और हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज होने का आरोप लगाया था। ऐसे विनय कुमार मिश्रा ने किसी तरह उनको मनाया था और कहा था कि नामजद मुकदमा दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो सकता है, इसको लेकर जांच की जा रही है। यह आशंका तब सच साबित हुई जब विवेचना में मृतका के सगे चाचा चंद्रभान उर्फ चंदू व सूरजभान पुत्रगढ़ बदई का नाम प्रकाश में आया और पूर्व में अभियुक्त की नामजदगी गलत पाई गई। सूरजभान व चंद्रभान को बुधवार दिन में असबनिया भक्तन टोला मोड़ पर घेर कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम लोग अपने आत्मसम्मान व लोक लाज के कारण मारे थे। 13 जुलाई की रात को 6 मिस कॉल पूजा के मोबाइल पर आया था। इसके पूर्व में भी गांव के राम प्रसाद के साले के लड़के रोहित का पूजा से गलत संबंध था। शक हुआ कि उसी का फोन है। इस बात को लेकर दोनों भाई पूजा को उसके कमरे में जाकर डांट कर पूछने लगे कि मोबाइल पर रोहित का मिस कॉल आया था। इस बात पर पूजा को नागवारा लगा व अनाप शनाप बकने लगी। दोनों भाई मिलकर गला घोट कर मार दिए। इसके बाद मिलकर पूजा की लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से गांव के तालाब में ले जाकर फेंक दिए। इस घटना से बचने के लिए घर आकर तथा कुछ लोगों से फोन कर उसके खो जाने के संबंध में पूछताछ करवा खुद आसपास खोजे, जिससे किसी को कानोकान ये खबर न लगी कि पूजा को मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया है। रोहित को भी फोन करके बुलाकर खोजने में मदद करने के लिए कहा गया था।